हुजूर मस्जिद नबवी से बाहर निकलते हैं तो आगे हजरत उमर अबू बकर रजी अल्लाह ताला अन्हुमा खड़े हैं, चेहरे के ऊपर अजीब उदासी है। कहा, उमर अबू बकर इस वक्त क्यों खड़े हो? अर्ज की, हुजूर भूख ने घर में टिकने नहीं दिया, हमने चाहा हुजूर का चेहरा देख लें तो कुछ प्यास बुझ जाए, कुछ भूख मिट जाए। हुजूर ने फरमाया, मेरा हाल भी यही है, जिस चीज ने तुझे घरों से निकाला है वही चीज मुझे घर से निकाल लाई है। चलते हुए हजरत अबू अय्यूब अंसारी के घर के करीब से गुजरे, हुजूर की खुशबू पाके वो बाहर आ गए। अर्ज की, बंदा नवाज आज मेरे मेहमान नहीं बनते? हुजूर ने कहा, तुम्हारी मर्जी। घर ले गए, चटाई बिछाई, हुजूर को बिठाया, घर वालों को बकरी का बच्चा जबा करके दिया, कहा जल्दी जल्दी खाना तैयार करो, मेरे आका को भूख लगी होगी। ये कह के वापस आए, हुजूर के पास बैठे, नजर चेहरे पे पड़ी तो घबरा गए। नकाहत के आसार इतने वाजे थे कि समझ आ रही थी कितने दिनों से हुजूर ने कुछ नहीं खाया। उठ के बाग में चले गए, खजूरों का खोशा तोड़ा, हुजूर के सामने रखा, कहा बंदा नवाज जब तक खाना तैयार नहीं होता ये खजूरें तनावल फरमाएं। थोड़ी देर के बाद खाना दस्तरखान पे लग गया। हुजूर से अर्ज की गई, हुजूर आए खाना तनावल कर लें। हुजूर ने दस्तरखान पर तशरीफ फरमा हो करके हुजूर ने कपड़ा उठाया तो हुजूर ने जब देखा कि खाना है तो हुजूर ने एक रोटी ली और चंद बोटियां उठाई और एक खादम को बुला करके कहा, जाओ हमारे घर ले आओ, मेरी बेटी फातिमा कितने दिनों से भूखी। कहा जाओ हमारे घर ले आओ, मेरी फातिमा कितने दिनों से भूखी बैठी हुई है, माल के कौनैन हैं गोपास कुछ रखते नहीं, दो जहां की नेमतें हैं उनके खाली हाथ में। आपको पता होगा कि जब मेरे रसूल का इंतकाल हुआ है, हुजूर का विसाल हुआ है, तो हुजूर की एक जिरा एक यहूदी के घर में गिरवी रखी हुई थी। हुजूर ने जिरा रख करके उससे कर्ज लिया हुआ था। ये इस्लाम की गुर्बत की कहानी है और फिर अल्लाह ने इस्लाम को अमारत के रंग भी दिए। आओ तुम्हें कहानी सुनाऊं। हजरत अदी बिन हातम रिवायत करते हैं, सही बुखारी में रिवायत है। ये हातम ताई के बेटे हैं, कहते हैं मैं हुजूर की खिदमत में हाजिर हुआ, एक शख्स आया कहने लगा हुजूर गुर्बत ने मेरा बुरा हाल कर दिया है, और उसने शिकायत की गुर्बत की, पसमांदगी की और अपनी मुआशी बदहाली की। फिर एक शख्स आया कहने लगा हुजूर मेरे पास दौलत तो है लेकिन मैंने जिस मंजिल पे जाना है रास्ता पुर खतर है, तो मेरे लिए क्या हुक्म है कि मैं कैसे रास्ता तय करूं? तो ये दो लोगों ने ये बातें की तो हजरत अदी कहते हैं कि हुजूर ने रूए सुखन मेरी जानब मोड़ा और मेरी जानब मुखातिब होके कहा, अदी तूने हीरा देखा है? अदी कहते हैं मैंने अर्ज की हुजूर देखा नहीं सुना है, हीरा ये शहर है इराक का। तो हुजूर ने फरमाया, अदी तूने हीरा देखा है? मैंने कहा नहीं हुजूर देखा नहीं, उसका तस्करा सुना है। फरमाया, अदी अगर अल्लाह तुझे जिंदगी की मोहलत दे तो हीरा से एक खातून चलेगी, तू अपनी आंखों से देखेगा और मक्के तक पहुंचेगी और अल्लाह के घर काबा का तवाफ करेगी और उसको हीरा से लेकर के मक्के तक अल्लाह के अलावा किसी का डर नहीं होगा। कहते हैं कि मैंने दिल में कहा कि फिर बनू तय के डाकू मर गए होंगे जिन्होंने अरब के ऊपर रोप डाल रखा है, तो वो तो फिर खत्म हो गए होंगे। कहते हैं मैं अभी सोच ही रहा था कि हुजूर ने मजीद मेरी हैरत में इजाफा करते हुए कहा, अदी अगर तुझे अल्लाह ने जिंदगी की मोहलत दी तो तू देखेगा कि किसरा के खजाने तेरी झोली में होंगे। तो उस दौर की सुपर ताकत थी। मैंने कहा हुजूर किसरा बिन हुरमस
हुजूर ने फरमाया हाँ किसरा बिन हुरमज। कहते हैं कि हुजूर ने फिर फरमाया दी अगर तू जिंदगी पाई तो तू वो दिन भी देखेगा कि एक शख्स जकात की रकम लेकर के, जकात की चांदी लेकर के, जकात का सोना लेकर के निकलेगा और उसको कोई जकात का मुस्तहिक ही नहीं मिलेगा। हजरत यदी बिन हातम कहते हैं कि फिर मैंने वो मंजर अपनी आंखों से देखा कि हीरा से खातून चली और मक्के तक पहुंची और अमन ऐसा था कि उसको अल्लाह के अलावा किसी का डर नहीं था। फिर वो लम्हे भी मैंने देखे कि किसरा बिन हुरमस के खजाने मस्जिद नबवी के बाहर पड़े हुए हैं। तो कहते हैं तीसरी चीज मैं देख ना सका और मैंने लोगों को कहा कि ये मैं तो नहीं देख सका, मेरी शायद जिंदगी वफा ना करे, और अगर तुम्हारी जिंदगी वफा करे तो तुम देखना, मेरे आका ने जो फरमाया था दो बातें तो पूरी हो गई हैं और तीसरी बात तुम देख लोगे। हजरत यहया बिन सईद फरमाते हैं कि हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज का जमाना था और उन्होंने मुझे अफ्रीका की जानब जकात वसूल करने के लिए भेजा। मैं वहां से जकात वसूल की और फिर मैं जकात लेने वाले मुस्तहकीन को ढूंढने लगा तो कहते मुझे कोई मुस्तहक ना मिला। फिर मैं गुलाम पकड़ता और उसके पैसे दे के उसको आजाद करवाता चला जाता। हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज का जमाना है कि गवर्नर है इराक का, वो हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज को लिखता है कि इतनी रकम है इसका क्या करना है। तो उमर बिन अब्दुल अजीज कहते रकम लेके यहां ना आना, वहां इराक के लोगों में बांट दो, जो जकात के मुस्तहिक हैं उनको तकसीम कर दो। तो गवर्नर लिखता है जो मुस्तहिक है उनको दे दी, अब कोई मुस्तहिक नहीं रहा तो मैं क्या करूं। तो हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज कहते हैं जो मकरूज हैं उनका कर्ज उतार दो। तो कहते हैं कि हाँ कर्ज भी मैंने उतार दिया है, रकम फिर भी बच रही है, क्या करूं। तो हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज ने फिर लिखा जो शख्स शादी करना चाहते हैं उनका हक मेहर अदा कर दो। मैंने कहा कि वो भी कर दिया है, रकम फिर भी बच गई, अब क्या करूं। तो हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज ने मुझे लिखा कि जो गैर मुस्लिम हैं जिन्होंने टैक्स दिया हुआ है, जितना टैक्स दिया है उससे दुगने पैसे उनको कर्जे में दे दो और उनको कहो जाओ इसका कारोबार करो, खेती बाड़ी करो, और साथ उन्हें यह भी कह देना कर्ज की फिक्र ना करना और ज्यादा इसमें परेशान ना होना, जब दे सकोगे दे देना। ये दौर भी फिर इस्लाम ने देखा और ये घड़ियां भी देखी, जब चिथड़े पहने हुए थे, जब पैवद लगे लिबास पहने थे, जब पेट में डालने के लुकमा भी नहीं था, अल्लाह का दीन उस वक्त भी गालिब था, और जब गलियों के अंदर रेशम बिखरा हुआ होता था कोई उठाने वाला नहीं था, दीन उस वक्त भी गालिब था। दीन का गालिब होना या ना होना इसका ताल्लुक जो है वो मालो दौलत से नहीं है। इकबाल कहता है कि जवाल बंदाए मोमिन का बेजरी से नहीं, मोमिन का जवाल बेजरी से नहीं है बल्कि इसका सबब कोई और है। वो सबब ढूंढना है कि हम दुनिया में रुस्वा होके क्यों रह गए, हम जमाने के सामने तमाशा क्यों बन के रह गए, आज नबी की उम्मत पूरी कायनात में रुस्वा होके क्यों रह गई, आज हमारा तमाशा देखा जा रहा है, आज भूखे कुत्तों को हमारी बेटियों और बहनों के ऊपर छोड़ा जा रहा है और उसका तमाशा देखा जा रहा है। क्या हमने ये दिन भी देखने थे? हमने सुराग लगाना है। दौलत की किल्लत और कसरत ये सानवी चीजें हैं, हमने तारीख में देखा है हम कभी माली तौर पे कमजोर थे रुस्वा नहीं हुए हैं, माल ज्यादा हो गया रुस्वा नहीं हुए हैं, रसवाई के सबब कोई और हैं। आइए तुम्हें कहा